ओए यार, ये पैन कर दिया टेबल फिर। हिलाया ना जबरदस्त मैन, क्या कैमरा हुआ यार, क्या? इधर से चौधरी ओए यार, ये तो फ्रेम में आए यार। नहीं यार, नहीं कुछ नहीं, यार, ये फ्रेम का कैसे हो फ्रेम गया में पे यार? था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग के? ठीक ठाक, खैरियत? कल भी मुझे दो तीन सब्सक्राइबर्स ने मैसेज किया कि वो क्या था कि लेटेस्ट एपिसोड देखें, बहुत ज़बरदस्त है। तो उसका क्लिप बनाया और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यार, 100% रियल है, 100% रियल, 100, कोई इसमें फेक काम नहीं है, कोई CGI ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल 100% रियल है। जो लोग इसको देखने के बाद भी ना माने कि ये रियल है, तो यार आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये प्रूफ होता है यार, ये बिल्कुल यू नो गारंटी प्रूफ है कि जिन्नात होते हैं, जादू टोना होता है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसको रोकने के लिए क्या तरीके इस्तेमाल होते हैं, ये सब इस वीडियो में अच्छा समराइज़ किया है। और बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रिकॉर्डिंग, बहुत ही ज़बरदस्त, यानी 100% रियल है। आप क्लिप देखें मेरे साथ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कितना रियल है, यानी इससे ज़्यादा अच्छा एविडेंस आपको मिल नहीं सकता पोल्टरगाइस्ट का, जिन्नाती एक्टिविटीज़ पोल्टरगाइस्ट जिसे कहते हैं, इससे अच्छा एविडेंस आपको नहीं मिल सकता। तो हैट्स ऑफ टू यार, वो क्या था कि टीम चांद भाई और असद भाई, असद भाई का कैमरा वर्क इज़ ब्रिलियंट, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया मुझे आज देख के। चांद भाई की तरह उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। टिके रहे, बहुत ही यानी वाकई स्केरी जगह है, हॉन्टेड जगह है, और बाकी यहाँ पे जादू टोना होता है, आपको एविडेंस साफ नजर आ जाएगा। साथ मिलके देखते हैं। इस लोकेशन पर हम पहले एक दफा आए थे और यहाँ पर एक हमारे ओए ये देखें, दरवाज़ा खुल गया, दो कैमरे चल रहे हैं, दोनों लगाए, ब्रिलियंट, अंदर से दिखा देंगे, ज़बरदस्त यार। ये नीचे वाला फ्रेम देखें आप, देख लें। ये देखें, ये अंदर दिखा दिया। असद भाई बाहर के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने बाहर का एंगल बनाया, कुछ चांद भाई ने अंदर से आए कंट्रोल थे कर लिया, रियाज भाई, ज़बरदस्त। उन पे कुछ जादू किया गया था और करने वाला उनका कोई रियाज भाई है, उन पे जादू किया गया, उनका किसी दोस्त ने उन पे जादू किया है, जादू टोना, ताकि उनकी ज़मीन, उनकी प्रॉपर्टी हाथ ले, अपने हाथ में रख ले। ही था जिसने उन पे जादू किया है, और उनका कोई जो जमीन वगैरह थी वो उसने अपने कब्जे में की है, कुछ घर वगैरह किए हैं उसने अपने नाम करवाए हैं। जादूगर जो है वो यहाँ पर आता है और वो मजीद जादू जो है वो कर रहा है। ये देखें, ये वो क्या था कि टीम ने सर्कल किया है, ये यहाँ पे कैन पड़ा है, आई थिंक इसमें दूध वूध डालते हैं मेरे ख्याल से, ये वो गिरा है। अच्छा, अरे पीछे यार, पीछे जाओ, ये अल्लाह अकबर अल्लाह वाटर कूलर है ये। ये देखें ये अब असद भाई की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखें, वो इस डायरेक्शन में हिला है, राइट? तो जो स्केप्टिक्स होते हैं, जो डाउट करते हैं, वो कहेंगे यार किसी ने फिश लाइन बांधी हुई है और वो यहाँ खड़ा हुआ है, उसने खींचा है। तो अब देखें असद भाई कितनी जल्दी दिखाएंगे। ये देखें छुपने की जगह जो होती है ना, देखें पूरा पैन कर दिया, हर जगह दिखा दिया, फौरन दिखाया, ये तो मैंने पॉज किया है, लेकिन ओए यार, पूरी चारपाई हवा में उठी है यार, उठी है। क्या आपको यहाँ पर किसी चीज की हिफाजत के लिए रखा गया है? अच्छा, जिनसे मुखातिब है, अच्छा असद भाई क्या को आप बात कर सकते हैं हमसे? किसी आवाज की शक्ल में खुद को जाहिर कर सकते हैं? ये आगे आगे जाने वो दो, लॉग था, बड़ा सा दरख का हिस्सा, वो हिला है। ऐसे लगे जैसे कुछ चीज थी उसके। ओए यार, अभी सीधा पड़ा हुआ था ना, ये पूरा उछला है, उन पे बाकायदा आप समझ लें कि अटैक हुआ है, यानी उनको रोकने, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दरवाजे में उनको जाने नहीं दे रहा जहाँ पे जादू टोने का सामान है। आगे आगे जाने देखें दो, फिर से मुझे देखें, ऐसे लगे जैसे कुछ चीज थी ये देखें पैन कर दिया यार। अब जाहिर है कोई अगर पलंग इस डायरेक्शन में जा रहा है चांद भाई की तरफ, तो पीछे से कोई इसको पुश करेगा, राइट? तो प्रेजेंस ऑफ माइंड असद भाई ने फ़ौरन यहाँ दिखाया है यार कि कोई बंदा नहीं है जिसने किया ये। ये देखिए पूरा पैन कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह। कोई यार वो उससे चीख ज़बरदस्त चमकी है असद क्या भाई, कोई? ज़बरदस्त यार। लेकिन आप दोस्तों के अब यहाँ देखें, ये मैंने खुद ही क्रॉप किए इमेज फ्रेम, इन्होंने पीछे से दिखाया था, मतलब वाइड एंगल है, मैंने खुद ये क्रॉप किया है ताकि आप लोगों को ये नज़र आ जाए। ये अगेन, ये कुछ कंटेनर है, इसमें पानी दूध होता होगा, ये हिलेगा, ये देगा, फिर से देगा, लेकिन आप दोस्तों के सर ये। अच्छा, अगेन आप सोचेंगे यार कि
इस डायरेक्शन में गया तो यहाँ से किसी ने पुल किया होगा राइट, यहाँ से पुश तो कर नहीं सकता, यहाँ तो कोई खड़ा नहीं है, ये दीवार है यहाँ पे राइट, तो जाहिर है पुल करेगा इधर। तो अब देखते हैं असद भाई और चांद भाई दिखाते ही नहीं। यार ये ये ढक्कन ऐसे उड़ता है पैन वो कर मेरे को दिया, क्या कोई है नहीं है कि भाई पैन इधर, जो है कोई पहले नहीं खड़ा। हिली जैसे कोई हाथ से उठाता है, जैसे मतलब किसी चीज को हाथ डालता है ना उसकी आवाज आती है, ऐसे आवाज आई है पहले। आज कोशिश अरे ये टेबल हिली हिली यार, ये यार देखा, बोले ना हाँ जैसे कोई बात बाकायदा खिसकी है। और क्या कोई कर सकता है, कोई खड़ा है आपके ख्याल में करीब? ये देखिए, या यहाँ देखें, यहाँ आज कोशिश ये बोले देखा शिफ्ट हुई है। ना जैसे कोई बात कर रही है मुझे, ये पैन कर दिया टेबल फिर, हिला है ना जबरदस्त मैन, क्या क्या मैं वो यार इधर क्या। से कोई। ओ ये मैंने खुद स्लोमो किया है यार, देखें ये उन पर अटैक हो रहा है यार, चारपाई बार बार उनके ऊपर आती है, जबरदस्त क्या एक्टिविटीज रिकॉर्डिंग है। ओए यार ये देखिए फौरन घुमाया है, ये देखें दिखा रहे हैं यार कि कोई बंदे ने नहीं किया। अब असद भाई तो नहीं उसको उठा सकते राइट, उनके हाथ में तो कैमरा है, तो उन्होंने व्यूअर्स के लिए कंफर्म कर दिया कि देखो इतना हैवी लॉग उछलता हुआ चांद भाई की तरफ आया और मैंने पैन कर दिया, पीछे कोई नहीं है जिसने फेंका हो, शायद लोग सोचें कि किसी ने फेंका है। ये तो सीधा तीर की तरह आया ये। और ये रिएक्शन जो है ना चांद भाई असद भाई उनकी आवाज़, उससे बिल्कुल लग रहा है कि ये रियल रिएक्शन है, यानी फेक नहीं है, ड्रामा नहीं कर रहे, रियल उनकी जो इमोशंस हैं उस वक्त वो हमें सुनाई दे रहे हैं और नज़र आ रहा है। ओ यार ये तो फ्रेम में आए यार, ओ हो। ओए देख पूरा घुमा भी दिया, क्या कोई भाग सकता है फौरन ये करके, इनका क्या बंदा चक्कर क्या है यार, ये इंसान चीज नहीं, तो पीछे ही पड़ी हुई है। चांद भाई के पीछे पड़ी है। यार थोड़ा उससे दूर हो जाइए तो। ओए फिर देखें पैन किया, पूरा दिखा दिया असद भाई, ब्रिलियंट यार ब्रिलियंट। ये अपने पीछे भी दिखा दिया, कोई बंदा तो नहीं है। जो कुछ लोग कभी बोलते हैं यार कि जो कैमरामैन होता है जैसे असद भाई हैं फॉर एग्जांपल इसमें, तो वो कहते हैं कोई बंदा उनके पीछे छुप जाता है एक्टिविटी करके, तो उन्होंने अपनी टांग के पीछे यू नो अपनी बॉडी के पीछे भी दिखा दिया कि कोई नहीं है। तो ये भी यार बहुत ब्रिलियंट। वैसे चांद भाई के पास भी कैमरा है, वो आप भी कोई एक्टिविटी होती है आपके साथ और जब असद भाई पैन कर रहे हैं तो आप भी अपना एक फ्रेम दिखा दिया करें, ये कंफर्म करने के कि असद भाई के पीछे कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ, ये कंफर्म हो जाता है, एक फ्रेम चला दें नीचे। ओ यार और ये देखें ब्लर हुआ है, हाँ अभी स्लो मो में देखें। यार ये एक चीज इसके सामने ही थी, ये पहले लेटा ब्लर हुआ है कैमरा ये क्या। ये गिरी है और ये ब्लर हो रहा है, देखें ये ब्लर हो रहा है, आउट ऑफ फोकस हो गया, फोकस आउट हो गया। गुड, ये असद भाई को नज़र आवाज भी बहुत आ गया ज्यादा होती जा रही है ये जो यार, ये इनका ताले सिस्टम को है देखें उसका यार। है ये नहीं यार नहीं यार, ये कैसे हो गया वो क्या यार। था वो यार, वो कोई चीज उसको पकड़ के ना ऐसे निकाल के उसने चीज उसके बाहर फेंका है। ओह क्या एक्टिविटी रिकॉर्ड हुई है यार, ये देखें, ये यहाँ देखें, ये उछला और ये गिरा यार। ये आप कैसे कैमरे फिजिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं यार, फिश लाइन हो सकता है उसे लगाई हो, लेकिन असद भाई बार बार दिखा रहे हैं यार पीछे, ये जबरदस्त यार, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो मुझे नजर आ रहा था जैसे ना ऐसे उसको एक लगा चीज लगा खुली पकड़ है के ना ऊपर, ओए ऊपर पीछे खुद ही खुल गया। ओए होए होए होए, यहीं से उनका आवाज़ आ रही थी। अच्छा ये मैंने खुद फास्ट फॉरवर्ड किया है ये दिखाने के लिए यार कि वो अंदर कैमरा उसी वक्त दिखा रहे हैं राइट, कोई कट नहीं है, कोई नहीं है अंदर। क्या आवाज आई है पीछे आपके पता नहीं के रूम में कौन है। ओए हंसने की आवाज, ओए
चमाट थप्पड़ बैक पे। अच्छा लोग सोचेंगे ये ड्रामा कर रहे हैं, राइट। अभी आप आगे देखें फिर आपको पता चलेगा यार कि ड्रामा क्या होता है और असलियत क्या होती है। रही मुझे भी हंसने की आवाज आई। वो क्या सामने ये वही मटका पड़ा हुआ है। इसमें ही है जादू का सामान, मटके का जो जादू चीज़ होता है। थप्पड़ मारा है बड़ी जोर से। अभी आप देखें क्या जबरदस्त एक्टिविटीज ज्यादा चीज़ ऑन इन थप्पड़ फ्रेम, ऑन कैमरा, वाइड एंगल, पैन, सब कुछ, सब कुछ, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे इस क्लिप में। यहाँ अच्छा पर ये नोटिस करें, ये बाद में ये हिलेगा, कहाँ जाके गिरेगा आप देखें। यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखें इसको। ये कबर्ड है, उसके ऊपर पड़ा हुआ है। एक मिनट चुप रहना यार। ये आवाज भी यार इस आवाज के साथ ही ना से कुछ हिल रहा है, ये कुछ भी महसूस हो रहा है उनको। आईपीएफ साइड पर दिखाना इधर यार इसके ना इर्द ये गिर्द गिरा है। देखे दायरा क्या हुआ है। इसके दायरा क्या हुआ है क्या कुछ पड़ा है। दायरा मतलब ये सर्कल बनाया हुआ ना, ये इसके, ये आई थिंक वो राख है, कोयला, कोल है, मैं खैर कुछ जलाया है उसको। अचानक भाई कह रहे हैं कि इस मटके के अतराफ दायरा किया हुआ है, मगर दायरा क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आया। दायरा तो जादू को रोकने के लिए किया जाता है, राइट, जिन को रोकने के लिए, तो जादूगर क्यों करेगा दायरा, डोंट नो। होएगा जी झूला हिल रहा है। अच्छा ये झूला, ये चांद भाई का फ्रेम है, यहाँ पे वो झूला है। अभी आप देखें कैसे हिलेगा, ये हिला, देखा। अच्छा ये मैं आपको समझाऊँ, अगर पीछे से तो कोई पुश नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो फ्रेम में है और पीछे दीवार है, यहाँ तो कोई इनका बंदा छुप नहीं सकता। जो पुश इस डायरेक्शन में ही करेगा, राइट, ताकि वो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाए, ठीक है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ बांधा हुआ हो यूँ, और उसको यहाँ इस डायरेक्शन से पुल किया होगा, समझ लें कि दरवाजे, यहाँ कुछ जो दरवाज़ा है, जो एंट्रेंस है, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ, उसने फिश लाइन बांधी, उसको खींचा, फिर ये हिलना शुरू हो गया, राइट। लेकिन फिश लाइन अब बंधी हुई है, फ़र्ज़ करें कि किसी ने फिश लगाई। अब ये दोनों असद भाई और चांद भाई इस डायरेक्शन में चलेंगे, पाँव उनके, राइट, तो अगर फिश लाइन होती तो वो उनके पाँव में आके अटक जाती। आप देखें बिल्कुल वो फ्रीली चलेंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और झूला हिल रहा है साथ से, देखें, ये देखें, ठीक है, वो दोनों यहाँ चल के आ गए, ये चल रहे हैं, ये असद भाई आए, ये सामने खड़े हो गए, जो बाप ने है ना। बोले और बिल्कुल करीब से क्या आपको कोई फिश लाइन नज़र आ रही है? फिश लाइन जब नज़र आती है, जब उस पर ठीक ठाक लाइट पड़े ना, जैसे इनके पास जो लाइट है, स्पॉट लाइट, फ्लैश लाइट, जो भी है, तो नज़र आ जाती है। अंधेरे में नज़र नहीं आती, लेकिन लाइट, ब्राइट लाइट में नज़र आती। कुछ मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, और अगेन जेन्युइन एक्टिविटी है। मैं देखा है ना इसकी तरफ तो इसमें मूवमेंट थी हल्की सी और उसके बाद वो तेज हो गई है। नज़रें तेज़ हैं चांद भाई की, उस माशाल्लाह। अच्छा जी, ओए ये तो देखिए पैन कर दिया यार फौरन। यार ये तो उधर पड़ा हुआ था सभी उधर से ही है। उधर से उछलते हुए बेसिकली वो इस डायरेक्शन में हर चीज़ गिरी है, था उनको, चांद भाई को रोकने के लिए, कि वो मटके तक ना पहुँचे। इसकी वो जिन हिफाजत कर रहा है, या जिन्नात एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओ ये देखा, ऊपर जो पड़ा होता ना, मैंने आपको पहले दिखाया था, वो नीचे गिरा है। खोलने का नाम ही ले रहे हो तो वो अच्छा, वो नीचे गिर गया है, और यहाँ पे एक और लोहे की कोई चीज़ पड़ी है, प्लेट है, देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखिए यार पीछे दिखा दिया, राइट, कोई सोच सकता था कि कबर्ड के पीछे कोई उनका बंदा छुपा हुआ है, जिसने कबर्ड को ऐसे हिलाया तो वो चीज़ गिर गई, या उस चीज़ को हाथ मारा है, पीछे भी दिखा दिया सब भाई, ब्रिलियंट। कोई नहीं है, अच्छा ये हाथ लगा रहे हैं, उसको चेक करें। अच्छा ये मुझे ये नज़र आया हिलते हुए, वहाँ इस डायरेक्शन में गया, या वो चीज़ ना उनको डिस्ट्रैक्ट करी है, जिन जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट करा है, उन्हें, उनका अटेंशन डाइवर्ट करा है, ताकि वो मटके को हाथ ना लगाएं, इधर उधर चीज़ें फेंकता है, कभी उनकी तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी झूला हिला दिया, कभी कुछ फेंक दिया।
अच्छा ये देखें, आसद भाई ने, बंदा सोच सकता है यार कि किसी ने बाहर से बर्तन फेंका हो और छुप गया हो जाके दीवार के पीछे। देखें उन्होंने यहाँ भी दिखा दी, यहाँ भी दिखा दिया, हर जगह दिखा दिया। सही है, जबरदस्त। अच्छा ये खोल रहे हैं। ओए पूरा हिला यार, ओए ऐसा लगा यार, धूड़ आवाज आई ना, जैसे पंखे को किसी ने हाथ मारा हो, ऐसा लगा है। ये देखें आवाज देखें, फिर से सुने। ओए पूरा पंखा पंखे हिल गया को भाई। सही लगी है। अच्छा ये वो ताबीज़ है यार, अनफॉर्चुनेटली लोग ये हरकतें करते हैं और ये इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं यार, अपने दुनिया और दीन, दुनिया और आखिरत सब बर्बाद, छोटे से फ़ायदे के लिए यार, प्रॉपर्टी के लिए बंदा कर रहा है। थोड़ी मेहनत कर लेता यार, प्रॉपर्टी हलाल की कमाई, ये सब हरकतें करने की क्या ज़रूरत थी। सुधर जा भाई। अच्छा ये है वो ताबीज़, बेसिकली कंफर्म हो गया है कि जादू किया गया, आई थिंक ये अंदर से ही निकला है, और क्या निकलेगा देखते हैं। ये आगे से ना यहाँ से जलाया हुआ है तवीज। ये क्या हो रहा है? ओए यार क्या स्पीड से आया। ये बोतल देखें प्लास्टिक की है, लेकिन क्या स्पीड से पलंग चारपाई के इस चारपाई के नीचे से आई है। देखें अगेन वो जो है ना चांद भाई को डरा रहा है। देखें फिर से देखें, यहाँ से जलाया हुआ है तवीज। ये क्या हो रहा है? ओ क्या स्पीड से यार यहाँ से आई है। और चांद असद भाई कर सकते हैं? इम्पॉसिबल, वो तो खड़े हुए हैं, उनका तो हाथ ऊपर है, एंगल ही उनका चांद भाई की तरफ था, वो तो कर ही नहीं सकते। क्या कोई तीसरा बंदा कर सकता है? कोई आपको नज़र आ रहा है इस डायरेक्शन से आया, राइट, नीचे से कोई छुपा हुआ है, कुछ नज़र आ रहा है आपको? क्या कोई यहाँ पे एक 5.5-6 फुट का बंदा छुप सकता है? इम्पॉसिबल। ठीक जबरदस्त यार, जबरदस्त, इम्प्रेस्ड। कई दिनों बाद मुझे वाकई मज़ा आ रहा है देखने का यार, मज़ा आ रहा है। कपड़े में एक सा पीस निकला है। है। ये पता नहीं यार क्या सामान है, जादू वादू का, बाल वो नाखून। कपड़े में और भी तवीज है। ये नींबू भी है शायद, है ना, लेमन भी सुना है यूज़ करते हैं। वो इस हिसाब से लग रहा था जैसे वो चीज ना अंदर आने से रोक रही होगा हम अंदर ना जाए। सही सही सही। ओ यार ये ओहो देखें यार, सारा फ्रेम में आए यार, इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? चांद भाई इस तरफ देख रहे हैं, उनके दोनों हाथ इधर हैं, टांगे इधर हैं, वो नहीं हिला सकते। असद भाई ने पूरा वाइड एंगल बनाया हुआ है इस चारपाई का, वो नहीं हिला सकते। पीछे कोई छुपा हुआ नहीं, छुप नहीं सकता, जगह ही नहीं है। फिर से देखें, ये देखें। ओ यार जबरदस्त मैन, जबरदस्त जबरदस्त। ये देखें पीछे भी दिखा दिया, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। लग रहे हैं मुझे तो। ये मुझे तो इस बाल, बार ये जादू किया गया ना, ये उसी के बाल लग रहे हैं और इन नाखूनों के साथ शायद हो सकता है। जब भी कहते हैं यार आप जब बाल वाल कटवाएं तो उससे सिक्योर जगह में फेंक दिया करें, मतलब बाहर ना छोड़ें, कोई उठा सकता है नाखून और बाल, या तो उसे आप बहा दें पानी में, कमोट में, या कहीं सिक्योर जगह में आप उसको बिन में डाल दें, बाहर ना छोड़ें ऐसी। ओ यार यार ये, ओ ये तो बहुत ज़ोर से लगा यार, वो शुक्र है कि कैप पहने हुए थे, वरना तो सर फट सकता था उनका। फिर से देंगे, ये देखें ये आके लगा है, वाह। ओए ओए होए होए। अच्छा वो आया यूं सीधा यहाँ उनके सर पे लगाया, असद भाई तो फेंक नहीं सकते, राइट, वो तो यहाँ खड़े हैं हमारे, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, जैसा आप लोग ये फ्रेम देख रहे हैं उस एंगल में खड़े हैं, और वो आया इधर पीछे से चांद भाई के सर पे लगाया। क्या हुआ? बाजू की चीज फट। अकबर अच्छा यहाँ पे आई थिंक वो फिज़िकल अटैक हुआ है, बाकायदा उनका हाथ मोड़ा जा रहा है। मैंने दिखाया नहीं यार, मुझे ये सही नहीं लगता ऐसा एक क्लिप दिखाना,
वो बाल उनके हाथ में, और आई गेस वो जिन फाइनली ना उसने उन्हें दबोच लिया। अच्छा, मैंने दिखाया नहीं, उनका पूरा हाथ मुड़ गया था, बाकायदा उनकी बैक पीछे चला गया था दोनों हाथ, यू नो। और ये खुद क्यों मोड़ेंगे यार अपना हाथ इस तरह, कम ऑन, टूट गया गलती से भी। अगर कुछ लोग बनेंगे ड्रामा कर रहे हैं, अगर ड्रामा कर भी रहे हैं, इतना अपना हाथ मोड़ेंगे कि वो टूट जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? थोड़ा सा पानी है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर फेंक देते हैं, और हो सकता है कुछ ना कुछ जो है ना वो। वह किसी का हुक्म किया ये तो जैसे किसी के ऊपर अभी नहीं हुआ यार, पहले जब काम ने आवाज आई यार बाकायदा, जैसे वो तकलीफ में हो वो जिन। यार पहले जब काम ने अंदर के याद हो गई है वो चीज जो है ना, और हम से बाहर भी फोन चाहिए वो। चल यार, क्या एपिसोड थी यार, क्या एपिसोड थी, मज़ा आ गया। बाकी असद भैया कैमरा वर्क, ये लोकेशन है जेन्युइन मिली है 100%, मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि ये रियल लोकेशन थी, ये रियल एक्टिविटीज़ थी, कोई ड्रामा नहीं था, कोई फेक नहीं था, बिल्कुल ये रियल था। मुझे वाकई बहुत अरसे बाद एक अच्छी एपिसोड मिली है। हाँ, एक चीज़ चांद भाई, असद भाई अगर आप देख रहे हैं यार, आप EVP आपके पास हुआ करता था, आप पता नहीं आप वो क्यों यूज़ नहीं करते, ये बड़ा अच्छा मौका था इस लोकेशन पर आप EVP लाते, वो मीटर और K2, और जहाँ पर एक्टिविटी हो रही थी उस रूम में या आसपास चारपाई के पास, आप वो रख देते यार उसे, यू नो, एज अ एक्स्ट्रा एविडेंस, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों के आसपास वो चीज़ चल रही थी और यू नो हरकतें कर रही थी, तो वो बड़ा अच्छा एविडेंस होता है अगर वो EVP मीटर भी आपके साथ होता है। नेक्स्ट टाइम यार याद रखें, अगर आपके पास है अभी भी वो, अपने बैग में रख लें यार उसे, परमानेंट अपने साथ रखा करें, साथ लेके जाया करें और उसे यूज़ करें, उसे अच्छा एविडेंस होता है। और एक सागर भाई एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो जो लाइट जलती है, वो भी आप अगर हो सके तो आप चाइना वाना से यार ख़रीद लें उसे, अली एक्सप्रेस से शायद मिल जाएगा मेरे ख्याल से, या टीमू से, वो चीज़ आप ज़रूर ख़रीदें चांद भाई, असद भाई। और एक फ्लेवर आ गया है आपकी वीडियो में ना, एक नया कोई नई चीज़ देखने को मिलेगी, वो भी बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है। अगेन इस लोकेशन पे फॉर एग्जांपल अगर आप वो यूज़ करते जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ पे लाइट शायद जलनी शुरू हो जाती, तो वो बड़ा अच्छा एविडेंस होता। तो अगर आप लोग देख रहे हैं असद भाई और चांद भाई, तो ज़रूर यार आप पता करें कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो टीमू में या अली एक्सप्रेस में मिल रहा है या नहीं, और उसे ऑर्डर कर लें, उसे ज़रूर मंगवा लें। कुछ नई चीज़ें डालें यार अपनी वीडियो में, नज़र आ रहा है यार कि लोग नहीं देख रहे वो, क्या था कभी नहीं देख रहे, अब बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे हैं जनरली। आई थिंक ये अक्रॉस द बोर्ड सारी जो हमारी टीम्स हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनको कम व्यूज़ आ रहे हैं अब, आई थिंक लोग थोड़े से बोर हो गए हैं। लेकिन यार इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और टीम का सपोर्ट करें यार, उन लोगों का अच्छा मकसद है, यू नो, जो भी पैसा वो बनाते हैं इन वीडियोस से वो गरीबों में बांट देते हैं यार, इससे अच्छा काम और क्या कर सकता है इंसान, तो सपोर्ट करें यार। हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, खाली लाइक का बटन दबाना है और एड स्किप ना करें, और पूरी वीडियो देख लिया करें। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और हॉन्टेड लोकेशन में जाते हैं, और रिस्क है यार, आप देख लें आज जो हमने अभी देखा है, बहुत ही रिस्की काम था। लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, जैसे असद भाई और चांद भाई ने शुरू में कहा, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, तो हौसला अफजाई होती है। और ज़ाहिर है यार जितना व्यूज़ आएंगे, जितनी अच्छी कमाई होगी, तो फिर इनके पास भी बजट बनेगा ताकि वो नई नई लोकेशन ढूंढ सकें और जा सकें। मैंने बहुत अर्सा पहले पूछा भी था असद भाई से, चांद भाई से, शरीफ भाई से, कि आप लोग अपने एरिया से बाहर क्यों नहीं जाते, यू नो, कराची कोई कोई और जगहों पे जाएं यार बहुत दूर दूर की। तो उन्होंने कहा यार कि बजट का ही मसला होता है, टाइम का ही मसला होता है, फैमिली को टाइम देना, अपने अपने काम, बिजनेसेस, तो बजट होगा यार तो ज़ाहिर है फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक हफ्ते के लिए आप किसी अपने एरिया से बाहर की, पंजाब से बाहर की साइड पर आप जाएँ और यू नो शूट करें, तो वहाँ एक हफ़्ता जाना आना जाना, खाने का ख़र्चा, रहने का ख़र्चा, वो सब इसी तरह निकलेगा जब चैनल चलेगा। चलें, वीडियो लंबी होगी, इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।